अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जी, मैं यहाँ के रहती हूँ, ये मेरा घर है और ये मदीना कांटा वाला रोड है और ये मदीना कांटा से सीधा नूरानी मस्जिद के सामने यहाँ नमाजियों को पढ़ने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये देखें, गटरों के सारे ढक्कन खुले हुए, कोई ढक्कन ऐसा नहीं है, और ये वोट लेने आ जाते हैं और ये देखिए सफाई का निज़ाम यहाँ पर है ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर ये बच्चे गिर जाते हैं गटरों में, गटरों के कोई ढक्कन नहीं है और ये इतनी खस्ता हालत है यहाँ पे कि किसी का था नहीं। ये सामने हमारा साबरा स्कूल है, यहाँ बच्चे नहीं आ रहे पढ़ने के लिए और साबरा स्कूल के गेट के आगे इतना गंद है कि किसी का इंतहा नहीं। तो मैं ज़िम्मेदारों से ये कहना चाहता हूँ कि ये खुदा है, ये आके कोई सफाई करे, कोई यहाँ का निज़ाम सही करे और ये गटरों के ऊपर जो ढक्कन है ये दे और ये जो जितनी सफाई है ये करें। ये सामने मेरा घर है और यहाँ बदबू और मच्छर इतना है कि किसी का इंतहा नहीं। तो बराए मेहरबानी ज़िम्मेदारों को ये सलाह देता हूँ कि ये जल्द से जल्द ये सही करें। मैं ज़िम्मेदारों को यही कहना चाहता हूँ, ये जो खड़े हुए इलेक्शन में दम, तो ये सबसे पहले ये काम तो करें। वोट तो हम देंगे लेकिन कम से कम ये काम तो हमारा करें, काम तक नहीं कर रहे ये लोग। कम से कम ये काम करके हमें दिखाएं, ये सफाई करके दिखाएं। यहाँ बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा, और ये मैन है, ये चौक है और ये मैन है, सारे रास्ते यहीं से आते हैं। बच्चों के स्कूल का रास्ता भी यही है, मस्जिद का रास्ता भी यही है और यकीन करें कोई नमाजी पाक होके नहीं जा सकता वहाँ तक, इतना यहाँ पर गंद है। आप ये खुद देख रहे हैं ये कितना गंद है। तो इनसे इतला ये कि सबसे पहले ये गंद उठाएं और बराए मेहरबानी वोट हम देंगे लेकिन ये कि इसकी सफाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। आज हम गाड़ी लेकर आए हैं रात को, सिद्धार्थ भाई ने और अपना इरफान भाई ने, बालाखंड चौक वाले और सिद्धार्थ भाई हमारे इस्लाम की मेम्बर है। इन्होंने एक वीडियो चलाई जिसमें शेरा भाई बाकायदा वीडियो बना रहे थे ये मदीना काटा के हवाले से। पूरा बम खड़ा है, मैं यहाँ पे आया हूँ, अपने गाड़ियों भी देखे हूँ, वाटर बोर्ड राइडिंग की गाड़ी लगाई है, रोड लाइन क्लियर हो चुकी है। अब पानी बैठते बैठते टाइम दे रहे हैं, सेंक्शन की गाड़ी भी मैंने मंगवा ली है, वो भी आ जाती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दो तीन गाड़ियों में यहाँ से भर के निकालेंगे तो ये नूरानी मस्जिद वाला एरिया क्लियर हो जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि किसी तरीके से काम को लेकर चले और लोगों से भी ये गुजारिश है, गुजारा ये आप देखें काम कौन कर रहा है। लेकिन इलेक्शन डिले होने के बावजूद भी आप लोगों को कहने के इलेक्शन हो सकता है ना हो या नहीं हो, आप पब्लिक के अंदर मौजूद हमने काम कर रहे हैं, वो आपके साथ बैठे अलहमदिल्ला हम काम कर रहे हो, यहाँ पे लगे हो और इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि खुदारा वोट देते हुए सोचें जरूर कि कौन इलाके के अंदर था कौन नहीं था। ईद को वोट दें, आपके मिसाइल कार्ड पीपल पार्टी है, सूबाई गवर्नमेंट है, फंड भी सूबाई गवर्नमेंट दे सकती है, बाकी जितना भी है खाली बातचीत की हद तक ही है और आपको सिर्फ तसलियाँ जूदी तसलियाँ देंगे, हम जूदी तसलियाँ नहीं देंगे, अलहमदिल्ला काम करा के लेंगे। 28 तारीख से पीर को याद रखें, पीर पर मोहर लगाएं, इंशाल्लाह आपकी मसाइल आ जाएंगे।